ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स अच्छा कर रहे होंगे। सो आज हम एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपकी, फिर आपके पार्टनर की, फिर हम लव मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के साइड, और फिर फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे आपकी राशि की। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना फॉर योर राशि। तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी, कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कि इसमें ऐसा आया है तो मेरी लाइफ में तो यही होगा। हो सकता है वो चीज़ें आपके साथ ना रेजोनेट हों, आपकी सिचुएशन पे ना हो, तो ज़बरदस्ती स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लें, जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, जो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो भी लोग इसे देख रहे हैं वो इसे अपने सन साइन, मून साइन या फिर अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो उसके लिए देखें। और लास्ट, जो भी लोगों ने फर्स्ट टाइम आज मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और अगर अभी तक बाकी सब जो आते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियोज़ को पसंद करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पर्सनल नंबर मेंशन्ड है, आप लोग चाहें तो उसके ऊपर अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं ही रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पर पहले हेलो लिखें, सीधा आपको मेरी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। सो जल्दी से रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो एरीज राशि, आई होप सब अच्छे हो गए फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी ये होगी अगले 7 डेज की रीडिंग, ठीक है। सो हम इस नो कांटेक्ट में, जिसमें आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे अपने पार्टनर से, आपकी क्या एनर्जीज हैं हम वो देख रहे हैं। सो क्या है एरीज राशि की फीलिंग्स, सबसे पहले हम वो देखेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। एरीज आज आप बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में हैं। रीज़न मुझे नहीं पता क्या है, बट समवेयर आज आप कुछ ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों मेरी लाइफ में चीज़ें ऐसी गड़बड़ हुई, क्या हुआ। बेसिकली मुझे आज बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में वो हर एक चीज़ थी, रिश्ते, प्यार, लव, पैसा, बच्चे, कुछ लोग जो मैरिड थे उनके साथ, बट समवेयर कुछ कहानी ऐसी पलटी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आपने शायद ये सारी चीज़ें लूज़ कर दी और अब आप नो कांटेक्ट में हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं, बहुत स्ट्रेस है आपको इन सब चीज़ों का। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में एक खींचातानी सी हो गई थी, और जिसमें आप भी एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे कि मुझे इसे अपने अकॉर्डिंग दबा के ही चलना है, मुझे ही जीतना है। एक ऐसा जोन आ गया था कि जिसमें आपको भी ऐसा लगता था। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हों जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था, या हालात कुछ ऐसे बन गए थे जहां पर आप ऐसा बिहेव कर रहे थे, बट समवेयर आपको ऐसा खुद को महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो गई थी, और सिचुएशन में आप जहाँ पर आपको सब कुछ मिला उस रिश्ते में, जहाँ पर आप बहुत खुश थे, बहुत चीज़ें अच्छी थी, वहाँ पर वो चीज़ें एक बहुत ज़्यादा जैसे एक दूसरे को ख़त्म कर देने वाले या वैसी ऐसी हो गई। आपकी अभी करंट सिचुएशन या करंट फीलिंग्स ये हैं, आप कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अब आपको लगता है या अंदर से अब आप फील कर रहे हैं किसी तरह से मेरी लाइफ में रिकन्सिलिएशन आ जाए, किसी तरह से सिचुएशन संभल जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए, मेरी लाइफ में फिर से वो पर्सन वापस आ जाए, या फिर कोई ऐसा बहाना बने कि आप दोनों फिर से मिल जाएं। सो ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, सो नो कांटेक्ट में। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर क्या सोचते हैं एरीज, क्या वो भी पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो हम उनकी एनर्जीज निकालेंगे। सो एरीज के पार्टनर क्या सोचते हैं अगले 7 दिन के लिए, उनकी क्या एनर्जीज दिख रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स।
एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स. फाइव ऑफ सोर्ड्स आपके में भी आया था और वही चीज़ जो आप फील कर रहे हैं वही सेम टू सेम वो फील कर रहे हैं. हाँ, वो रिकन्सिलिएशन के बारे में तो नहीं सोचते, बट कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं. महसूस वो भी यही करते हैं कि दोराहे पर आकर वो भी खड़े हो गए हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, और बहुत लंबा ये नो कॉन्टैक्ट कई लोगों का हो सकता है, कईयों का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे. बट येस, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. मोस्टली आई थिंक कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, और अगर शायद एरीज आपने बात करने की कोशिश भी की हो, मुझे तो लगता है फ़ोन भी नहीं उठाया होगा आपके पार्टनर ने, और बात का रिस्पॉन्स भी नहीं दिया. अभी फ़िलहाल वो ये सोचते हैं कि किसी तरह आपके और उनके बीच में एक किसी तरह बात हो थोड़ी सी, और अगर चांसेस हैं, और अगर ये जो ईगो का जो गेम चल रहा है दोनों के बीच में कि वो झुके या वो झुके, मैं तो नहीं झुकता, वो भी यही सोचते हैं और आप भी यही सोच रहे हो, दोनों के बीच में एक अच्छी, कहते हैं ना, वो चल रही है, कंपटीशन जैसा चल रहा है. वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने क्लोज्ड वन से कुछ ना कुछ राय लेते हैं, कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं, या फिर उनका खुद का माइंड ऐसा कहता है कि उन्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी और किसी तरह कुछ सॉलिड डिसीजन लेना होगा. बट अभी वो तैयार नहीं है कुछ भी करने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, बट अपनी सिचुएशन में ही हैं. सो अपने स्टैंड पर अडिग हैं, हिल नहीं रहे वहाँ से. देखते हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे ऐसे ही सिचुएशन में भी उनके लिए. आपके लिए क्या है लव मैसेजेस? सो एरीज के पार्टनर उनको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट में? यू लिसन टू मी वेल, आप उनकी बात को सुनते थे, ठीक है. सो ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता है. एरीज, यू आर माई होम. तो मुझे तो, मैंने तो आपको क्लियरली बोल ही दिया कि डेफिनेटली आपका मैरिड पर्सन लग रहा है मुझे, जिससे आप मैरिड हैं, या बहुत लंबा एक रिलेशनशिप है जहाँ पर एक घर जैसा इन्वायरमेंट था. एंड यू आर जेन्युइन, तो वो तो आपको जेन्युइन ही समझते हैं. आई थिंक जहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं वो यही है कि आपस की जो एक खींचातानी चल रही है वही ख़त्म नहीं हो रही, और उसकी वजह से वो सिचुएशन बहुत अलग लेवल पे पहुंच गई है. डिवाइन गाइडेंस देखेंगे एरीज आपके लिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू. सो डिवाइन गाइडेंस फॉर एरीज राशि निकालते हैं. एरीज के लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे. मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स. सो पूजा पाठ करें, थोड़ा सा वो करें, क्या कहते हैं, अपने आप को शांत रखें, कूल रहें, ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, क्योंकि एरीज मोस्टली जब भी गुस्सा आता है बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, चाहे उनका दिल में कुछ भी ना हो, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत रहकर नहीं दिखा पाते, वो बहुत हाईली अग्रेसिव हो जाते हैं. सो एरीज, उससे नुकसान आपका होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा. रिलैक्स रहें, कूल रहें, चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो, इट्स अप टू यू. सो आपके ऊपर ही है, अगर आप आज चाहें तो आप सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप चाहते हैं कि नहीं. एन इम्प्रूविंग हेल्थ, मे बी आप में से कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. अगले 7 दिन में आपकी हेल्थ पर पहले से इम्प्रूवमेंट आएगी, तो आप अपना ध्यान रखें, रिलैक्स रहें, कूल कर रखें अपने आप को, ठीक है. सो ये है माय डियर एरीज आपकी रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 डेज. अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो ज़रूर लाइक करना रीडिंग को, और मुझे बताना कैसी लगी रीडिंग आपको. मिलते हैं अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय.